हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज स्टेट लाइन का ये लेक्चर नंबर सेकेंड है। अपन इसमें पिछले लेक्चर में हमने किसकी बात कर ली थी बेटा? डिस्टेंस फार्मूला और कार्टिजन फॉर्म और पोलर फॉर्म के बारे में बात कर ली थी। एक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते। लिखो क्वेश्चन, लिखो इफ If A equal to, या A के कोऑर्डिनेट लिख लो। A के कोऑर्डिनेट है AQ upon A minus 1, comma BQ, या AQ minus 3 upon A minus 1। B के कोऑर्डिनेट है BQ upon B minus 1, BQ minus 3 upon B minus 3, है ना? एंड C है CQ upon C minus 1, CQ minus 3 upon C minus 1। R collinear, ABC are collinear, then prove that ABC plus thrice of A plus B plus C equal to AB plus BC plus C, AB प्लस बी सी प्लस सी। कैसे करेंगे? अब अगर कोऑर्डिनेट बेटा कोलिनियर है तो बेटा किस पर आएंगे? एक स्ट्रेट लाइन पर पाए जाएंगे। मान लेते ए पोजीशन, बी की पोजीशन और सी की पोजीशन। तो ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट एक किस पर लाए? एक स्ट्रेट लाइन पर बेटा लाई करेगा। ए बी सी लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के अपन एक जनरल फॉर्म मान लेते हैं पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अपन ने क्या मान लिया कि ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, और इसलिए लाई करेंगे क्योंकि ए बी और सी ये क्या है बेटा? कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो इसका मतलब एक ही लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है, इसमें ज्योमेट्री का कुछ ज्यादा यूज नहीं है, है ना? एलजेब्रा है। ठीक है ना, अपन स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे भी यही ज्योमेट्री प्लस एलजेब्रा, उसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है ना, तो ए बी सी एक लाइन पर लाई करेंगे। हमें पता है जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। अपन ने ए की जगह पी मान ली होगी, ए बी सी इसमें भी आ रहे थे, तो अपन ने एक अलग से मान ली इक्वेशन पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, पी एक्स प्लस क्यू वाई, माफ कीजिएगा, प्लस आर इक्वल टू जीरो। अब ए बी सी इसी लाइन पर लाई कर रहे, इसका मतलब इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो जब आप ए के कोऑर्डिनेट डालोगे, ए का कोऑर्डिनेट डालोगे तो इसमें क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। बी का कोऑर्डिनेट भी इसमें क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई का मतलब होता है उस रूट को इसमें डालो और आंसर क्या आ जाए जो आरएचएस में लिखा हो। तो आरएचएस में जीरो लिखा है, इसका मतलब अगर मैं डालूंगा, क्या डालूंगा एक्स की जगह, क्या डालूंगा? ए क्यू माइनस ए क्यू अपॉन ए माइनस प्लस बाई की जगह क्या डालूंगा बोलो बेटा? बाई की जगह क्या डालूंगा? ए क्यू माइनस थ्री, अरे बोलो भाई, प्लस आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अगर ए क्यू अपॉन ए माइनस वन इसमें डाल रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ए कोऑर्डिनेट इस पर उपस्थित है। ठीक है ना, ऐसे ही अपन बी डालेंगे, ऐसे ही अपन क्या डालेंगे? सी डालेंगे। मान लेते हैं कि ए बी और सी, या इसके मत मानो, अपन बी डालेंगे, ऐसे क्या डालेंगे? सी डालेंगे। अपन एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं टी, बोलो क्या मान लें?
टी को हम क्या मान लेंगे, कोई टी में एक इक्वेशन बन जाएगी, जैसे कि क्योंकि ए भी डालेंगे, बी भी डालेंगे, सी भी डालेंगे, तीन तीन इक्वेशन पे काम करना पड़ेगा, तो अपन एक ही इक्वेशन पे काम कर देंगे और उसके रूट ए बी सी बोल देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे कि अगर मैं बोलूं पी टी क्यू अपॉन टी माइनस वन प्लस, बोलिएगा क्यू क्या लिखेंगे, टी क्यू माइनस थ्री अपॉन टी माइनस वन प्लस आर इक्वल टू, तो यहां से ए बी और सी इसके क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, जब आप टी की जगह वैल्यू डालोगे ए क्यू अपॉन ए माइनस वन टी क्यू माइनस थ्री अपॉन ए माइनस वन प्लस आर इक्वल टू जीरो, तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ए इसका क्या हो गया, रूट हो गया, ऐसे इसका बी भी रूट हो गया, सी हो गया, ऐसे ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कर लोगे सॉल्व, कैसे करोगे, कराओ जरा, पी टी क्यू ओके प्लस क्यू टी क्यू है ना माइनस का थ्री बोलो क्यू प्लस का आर टी माइनस वन का होल स्क्वायर, सॉरी टी माइनस वन माफ कीजिएगा, इक्वल टू जो टी माइनस वन एलसीएम उधर किधर उधर चला जाएगा, जीरो आ जाएगा, बात सही है, बोलो सही चल रहा है सब कुछ, ठीक है, मतलब क्यू इस टी स्क्वायर का कोफिशियंट नहीं आ रहा क्या, ऐसा ही दिख रहा है मुझे, तो दिख रहा है कि तुम्हें आ रहा है क्या, नहीं आएगा ना, ठीक है, तो आप टी क्यू को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी माइनस आर टी, ठीक है ना, बोलो माइनस थ्री क्यू माइनस आर इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, इतना नोट करो फिर आगे बात करते हैं। टी क्यू ये माइनस आर होगा ना, प्लस कैसे हो जाएगा, ये आर टी ये प्लस हो जाएगा ना, इसको नोट करो फिर आगे बात करते हैं। और इसके फैक्टर क्या है बेटा, ए बी और सी, बेटा एक गलती हो गई है यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर ए स्क्वायर है क्योंकि ये टी क्यू का कोफिशियंट के बाद आपका टी स्क्वायर का कोफिशियंट नहीं आएगा, फिर आप जब प्रूफ करने जाओगे तो वो ये वाला प्रूफ ना होगा, कुछ और आ जाएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर एक बार चेंज कर लीजिएगा आप, यहाँ पर ये वाला ये कोफिशियंट स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर, क्वेश्चन में ये दिया था मैंने अभी डाटा देखा जब, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे, ये कर लोगे, सही कर रहा हूँ मैं, बोलो बाई की जगह, और यहाँ पर क्या कर लोगे, ये स्क्वायर कर लोगे। अब जरा देखिएगा थोड़ा मामला बदल जाएगा, क्या बदलेगा जरा ये देखो, ये यहाँ से इसको इरेज कर दो, यहाँ तक समझ में आ गया ना, ठीक है ना, ये तो सही है। अभी क्या करना है अपने को, पी टी क्यू प्लस क्यू टी स्क्वायर, ठीक है ना, टी माइनस एलसीएम लेंगे प्लस आर टी, ओके सही है, फिर क्या आ जाएगा, माइनस आर माइनस थ्री क्यू इक्वल टू जीरो, जिसके फैक्टर क्या है, ए बी सी। अब क्यूबिक को सॉल्व करने का तरीका मैंने सिखाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब पढ़ाया था, है ना, सम क्या होता है, अपन यहाँ लगाते हैं प्लस माइनस, ठीक है ना, तो हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, पहले क्या लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी प्लस, सही है, तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो एक पावर से कम का कोफिशियंट, इसका मतलब टी स्क्वायर का कोफिशियंट माइनस के साथ है ना, अपॉन लीडिंग कोफिशियंट जो कि कितना है, पी है, तो हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी। उसके बाद क्या करते हैं, दो दो का सम, ऐसे सिखाया था मैंने, दो दो का सम, तीन तीन का सम, याद है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कितना आ जाएगा, बोलो बेटा कितना आ जाएगा, आर अपॉन बोलो लीडिंग कोफिशियंट पी। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, ए बी सी प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना, तीन तीन का सम, तो कितना आ जाएगा, ए बी सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या है, और माइनस के साथ आएगा, तो माइनस ऑफ माइनस आर माइनस थ्री क्यू ओवर कितना आ जाएगा, पी, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी सी की वैल्यू आर प्लस थ्री क्यू, आर प्लस थ्री क्यू अपॉन पी,
अब देखिएगा बेटा यहाँ पर, अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, ए बी सी, तो ए बी सी किधर है, ए बी सी कितना आ जाएगा, 3 + r + 3q / p, यहाँ पे पुट कर दो, प्लस 3 a + b, ये पुट कर दो, वो बराबर किसके आने चाहिए, इसके आना चाहिए, ठीक है ना, 3 times हो गए, ठीक है ना, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू, एक बार मैं चेक कर लूँ क्या है यार, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, एक ये 1 times ही है, 3 times नहीं, तो जब आप इसको सेटिस्फाई करोगे, एल एच एस और आर एच एस कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, सेटिस्फाई करा लोगे, कराओ। अब मुझे प्रूफ हो गया ना आपका, जैसे कि आप मान लो प्रूफ ही करना है तो क्या करोगे, या तो सेटिस्फाई करा दो, ठीक है ना, सेटिस्फाई करा लोगे तो बराबर आ जाएगा आर एच एस एल एच एस, है ना, या एक चीज और है कि आपको ए बी सी, ए बी सी इक्वल टू कितना है बेटा, 3q + r / p, यही है ना, तो आप क्या करोगे, 3 q की जगह कितना आ जाएगा, q कुछ आया है, q / p की जगह, ये -q / p की जगह लिख दोगे कितना, q / p की जगह कितना लिख दोगे, -a + b + c, ठीक है, और फिर कितना बचेगा, r / p, और आप अपन बी की जगह कितना लिख दोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो भी यहाँ से दिख रहा है -a + b + c + r / b की जगह कितना आ रहा है, बोलो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो वही आ जाएगा, इसको अपन इधर भेज दें, क्योंकि ये ए बी सी लिखा हुआ है, तो आ जाएगा ए बी सी प्लस थ्राइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो, इफ ऑल वर्टेक्स ए x1, y1, बी x2, y2, सी x3, y3, इफ ऑल वर्टेक्स ए बी सी गिवन आर ए x1, y1, बी x2, y2, सी x3, y3 ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कांट बी, देन वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कांट बी रैशनल, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, कि यदि सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे हैं, x1, y1, x2, y2, x3, y3 है, और ये जो वर्टेक्स है वो किसके हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के, किसके वर्टेक्स हैं, तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये निश्चित है कि उसमें कोई ना कोई एक वर्टेक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो कैसा होगा, इरेशनल होगा, रैशनल नहीं होगा, इवन आप स्लैश इंटीजर भी कर लो, इंटीजर भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि हालांकि इंटीजर रैशनल ही है ना, तो इंटीजर भी नहीं होगा, सभी नहीं होंगे, बात समझ में आ रही है, कैसे प्रूफ करते इस चीज को, प्रूफ करते कैसे करोगे, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 ऑफ डिटरमिनेंट, होता है कि नहीं होता है, क्या होता है बेटा, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने लिखवाया है, क्या होता है, √3/4 × side² या a² सही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है,
ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। मान लेते हो वो ट्रायंगल जो है, अपन मान के चल रहे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, अपन ने मान लिया ये ए वर्टेक्स है, ये कितना है बी है, और ये कितना है भाई सी है। इसके कोऑर्डिनेट बोलो, एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा वाई टू, एक्स थ्री कॉमा वाई, ये। अब इसका एरिया चाहे आप इससे निकालो, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एरिया चाहे आप ऊपर वाले फॉर्मूले से निकालो या नीचे वाले से, दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। डिटर्मिनेंट में आपने पढ़ा होगा कि अगर सभी रैशनल है ना, नहीं पढ़ा तो थोड़ा मैथमेटिक लॉजिक भी लगा सकते हो कि अगर सभी एलिमेंट डिटर्मिनेंट्स के, रो और सभी कॉलम के, सभी रो के या सभी कॉलम के बात एक ही है, वो कैसे हैं, कैसे हैं, रैशनल है, तो आंसर भी जोड़ना या घटाने पर क्या आएगा बेटा, रैशनल ही आएगा। बात समझ में आ रही है, तो हम बोलेंगे दिस बोथ इक्वेशन, इसे इक्वेशन वन बोल दें, इक्वेशन सेकंड बोल दें, आर इक्वल, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ वन इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टू, इन्हें कैसा होना पड़ेगा, इक्वल, क्योंकि अपन ने क्या माना है, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स ए बी सी है। तो इसका मतलब ये है कि 1 बाई टू ऑफ डिटर्मिनेंट्स बराबर होना चाहिए रूट थ्री बाई फोर किसके, ए स्क्वायर, मान लेते हैं इसकी साइड क्या है, सभी इक्वल, ठीक है ना, होना चाहिए। अब 1 ऑफ बाई डिटर्मिनेंट्स लिख भी लेते हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बाय वन बाई टू वन वन, चमका। अब ये चीज कैसी आएगी, रैशनल, अभी तुम समझाया मैंने, कैसी आएगी बेटा, रैशनल आएगी। ये रैशनल क्यों आएगा, और ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ रैशनल आएगा, मतलब कैसा आएगा, इरैशनल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि साइड भी क्या आएगी बेटा, रैशनल ही आएगी। बोलो, आप बी सी कोई सी साइड निकाल सकते हो ना, तो चूंकि ये सभी रैशनल है तो आपकी डिस्टेंस फॉर्मूले से साइड क्या आ जाएगी, मान लेते हैं आपको पता तो है ही वैसे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये भी रैशनल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ जाएगी। तो रैशनल क्या बराबर होगा इरेशनल के, नहीं, इसका मतलब कंट्राडिक्शन से प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, कि अगर वर्टेक्स रैशनल है, सभी वर्टेक्स रैशनल है, तो उनका बेटा क्या, उनका वो जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा। इससे बहुत अच्छी चीज उल्टी भी सही निकल के आती है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कोई ना कोई एक वर्टेक्स कैसा होगा, इरेशनल होगा। तो अगर ऑप्शन में आपको इक्विलेटरल के ट्रायंगल का क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसे चेक कर सकते हो कि कहीं एक एक ऑप्शन में मान लो कोई आपको वर्टेक्स दे दिए, आपसे पूछ लेता है कि बताओ ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है या आइसोसेलस है या कौन सा ट्रायंगल है, आपसे पूछ लेगा तो क्या आप बता पाओगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। ज़्यादातर क्वेश्चन जब ये ऐसा पूछता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पूछता है, तो अगर अपन निकालने बैठे तो टाइम निकल जाएगा, तो वो यही स्मार्ट वर्क करवाता है, ठीक है ना। इतना चाहो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, आप एक रिमार्क डाल के एक पॉइंट को लिख लो, मेंशन कर लो, जिससे कि अपने को आंसर है, इफ ऑल वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल या ऐसे लिखो, इफ ऑल वर्टेक्स रैशनल ऑफ द ट्रायंगल, ऐसे लिखो, इफ ऑल वर्टेक्स आर रैशनल ऑफ द ट्रायंगल देन दिस ट्रायंगल इज नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन दिस ट्रायंगल इज नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखो, समझ में आ रहा है, लिखो, फाइंड द पॉइंट पी सच दैट, अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पॉइंट पी सच दैट एरिया ऑफ
APB, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू 10, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू 10 एंड AP बराबर BP. फाइंड द पॉइंट P सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू कितना बोला 10 एंड AP इक्वल टू BP एंड कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड कोऑर्डिनेट ऑफ A लिख लो कोऑर्डिनेट ऑफ A 3.4 एंड B 5.-2 ठीक है ना एंड B 5.-2 समझ आ गई बात क्या दिया है आपको कर लोगे क्या पूछा है P के कोऑर्डिनेट पूछे किसके कोऑर्डिनेट पूछे हैं P के कोऑर्डिनेट पूछे इसका एरिया कितना दिया है कितना दिया एरिया इसका 10 यूनिट स्क्वायर दिया है और क्या दिया है देखो इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी बात है हालांकि आप निकाल लोगे आराम से है ना कोई बड़ी बात नहीं पर इसमें बच्चा गलती क्या करता है वो मैं बता देता हूँ आपको या आप भी क्या गलती करोगे मुझे पूरा उम्मीद है आप गलती करोगे ये वाली वो अपन देख लेते नहीं तो अपन आराम से कर लेंगे दिक्कत क्या है गिवन क्या क्या है अपने को गिवन एरिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP या जो भी है और क्या है सेकंड थिंग AP इक्वल टू BP सही है ना AP इक्वल टू BP इसका मतलब AP इक्वल टू BP मतलब ये दोनों बराबर है तो वैसे तुमने बराबर नहीं की पर आप रफली मान लो कि बराबर है ठीक है AP इक्वल टू BP बराबर ठीक है समझ में आ रहा है तो अपन एक एक इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे AP इक्वल टू BP तो आसान है AP लेट से अपन मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लें x, y मुझे यही तो पॉइंट बताने तो अपन AP कैसे निकाल लेंगे डिस्टेंस हमने लगा के तो अपन क्या करेंगे अंडर रूट साथ में लगाओ AP x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ x-5 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देंगे एडिशन कर देंगे कोई ना कोई इक्वेशन आप निकाल लोगे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है ना x² कट ही जाएगा y² कट जाएगा है ना सबके लीनियर कोएफिशिएंट है तो एक कोई x y में कोई इक्वेशन आ जाएगी पर वो तो एक इक्वेशन है भाई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इसका मतलब 2 इक्वेशन चाहिए ना एक कहाँ से मिलेगी इसके एरिया से एरिया कैसे निकालोगे बोले एरिया क्या APB या BPA कितना है 10 है तो अपन लिखेंगे 1/2 बोलो x 3 4 5 x 3 5 ठीक है अगला क्या लिखोगे y 4 -2 सही है सबके कोऑर्डिनेट ही तो लिखने हैं 1 1 1 ये कितना है 10 के बराबर और आप सॉल्व कर दोगे ठीक है ना तो आपका यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी एक यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी अपन कर लेंगे फिर वही बात आ गई आप क्या इसमें गलती बताने वाले थे कोई बताएगा क्या गलती हो सकती है आप में से कोई है ऐसा जो बता सके बहुत पास में ही रखी गलती अगर आप देखोगे तो फिर बोलोगे ये क्या बता दिए तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी बताओगे बेटा एरिया जो जब फॉर्मूला हम लिखवाए थे जब भी माइनस आता था तो हम क्या लगाते थे उस पर मॉड लगा देते क्या लगाते थे
तो बेटा मुझे इस पर क्या लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए बेटा, मोड लगाना चाहिए। और जैसे ही ये मोड हटाएंगे तो इस साइड की चीज कैसे खुलेगी, प्लस माइनस। मैंने आपको समझाया, तो सिंपल बात है, मोड x इक्वल टू अगर 5 है तो x इक्वल टू कैसे खुलेगा, बोलो, उसका सॉल्यूशन 5 भी होगा और माइनस 5 भी होगा। तो यहां से कितनी इक्वेशन आएंगी, दो आएंगी, कितनी आएंगी, कर लोगे, इसको खोलो दोनों को, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, यहां से जरा बताओ इक्वेशन आई होगी, क्या आई बेटा, बच्चों ने सॉल्व किया, बताना जरा, बोलो यार, 3x प्लस वाई इक्वल टू 20। ये इक्वेशन किस किस की आई, यहां बताओ जरा, 3x यही आई इक्वेशन, 28 है या 22 है, 23 है, सभी सहमत है ना इस बात पर, ठीक है ना, ठीक, ये इक्वेशन वन होगी। यहां से दो इक्वेशन आएगी, कैसे सर, 1/2, इसको सॉल्व करोगे, कैसे करते हैं सॉल्व डिटरमिनेंट को, पता है तेरे को, कुछ नहीं पता तेरे को, क्या पता है तेरे को, x ब्रैकेट में 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 माइनस y, ठीक है ना, इसको हटाओ उसको लगाओ, 3 माइनस 5 कितना माइनस 2, चेक कर लेना, देखते रहना भाई, प्लस 1 इसको इसको माइनस 6 माइनस 20, माइनस का 26 मॉड इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, सही है। अब ये उधर जाके बताओ तो 20 डायरेक्ट करा दे, कर दे 20 हो जाएगा, सही है। अब 20 हो गया तो इधर कितना आएगा 6x प्लस का 2 बाय माइनस का 26, मोड जैसे ही हटाएंगे दो आंसर आएंगे, प्लस माइनस 20, सही है। अब यहाँ से दो इक्वेशन निकलेंगे, बोलो सही है, टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन लिया तो क्या आया, इक्वल टू 20, 20 को इधर खींच लाओ, जरा चेक कीजिएगा, x प्लस 2y माइनस 46, ठीक है, इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी, वही आ जाएगी 6x प्लस 2y, 6x प्लस 2y किसका है, माइनस का लिया, तो इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आप दो कॉमन भी ले सकते हो, है ना। अब क्या करोगे, इसे इक्वेशन क्या बोल दोगे, 1, और इसे क्या बोल दोगे, सॉरी इक्वेशन 1 तो बोल ही चुका हूँ मैं, इसे 2 बोल दो, और इसे क्या बोल दो, इक्वेशन 1 के साथ किसको सॉल्व करवाओ, 2 को सॉल्व करवाओ, और इक्वेशन तो एक कोऑर्डिनेट आएंगे, एक कोऑर्डिनेट आएंगे, वो किसके होंगे, P के होंगे, क्योंकि P की कंडीशन पर ही तो अपन ने ये काम किया पूरा, एक्स को अपन ने क्या माना, सॉरी पी को अपन ने क्या माना, एक्स कॉमा वाई, तो जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो पी की आएगी, एक तो 1 और 2 को सॉल्व करने पर, और दूसरी सेकेंड कहां पर, 1 और 3 को सॉल्व करने पर आ जाएगा आंसर। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि पी के दो दो आंसर कैसे आ रहे हैं, तो हो सकता है कार्टेशियन प्लेन पर ये एक्स है ये वाई है, पी कहीं इधर हो, रफली बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ये क्या है, पी ए बी, तो ये कंडीशन किसके लिए है कि ए पी बराबर क्या होनी चाहिए, बी पी, है ना, क्या पता वो पॉइंट कहीं इधर हो नीचे हो, तो भी तो ए पी बराबर बी पी हो जाएगा। इसका एरिया अगर 10 है तो इसका भी एरिया 10 हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती है ना, क्या पॉइंट और कहीं हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, क्या हो सकता है AP और BP की डिस्टेंस इक्वल करने के लिए और कहीं हो सकता है क्या, AP और BP की हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है, मान लो पॉइंट यहां हो तब भी तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, बट उसमें समस्या क्या आएगी, जो इसका एरिया 10 था क्या इसका एरिया 10 हो पाएगा, वो बढ़ गया, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं मैं तो नीचे ले, मैंने कहा आइटम है क्या, नीचे लेगा तो 10 से और कम हो जाएगा भाई, इसलिए दो ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, क्योंकि वो दोनों का इंटरसेक्शन चाहता है, ठीक है। अच्छा लिखो बेटा,
हो गया ना, इससे आंसर आ जाएगा कुछ ना, कर लोगे ना सॉल्व, ठीक है ये आगे कर लिख कर लेना आसान है। क्वेश्चन लिखो, इफ ए वर्टेक्स है, ए 2, -1, बी 1, 2 एंड सी 0, -1, 0, -1 आर मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल, आर मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल, आर मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। भाई रेस 5 लाए हो आप लोग, ठीक है ठीक है, इसको करने के बाद माइंड अप करते हैं क्लास को। तो आपको क्या दिया गया है, मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल देकर आपसे क्या पूछ लिया गया है, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल पूछा गया है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कोई ट्रायंगल ये है जिसके मिड पॉइंट ए बी और क्या है सी है, मान लेते हैं ये पी क्यू आर वर्टेक्स मान लिया अपन, ठीक है ना, मान सकते कि नहीं मान सकते। हाँ भाई, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है बताओ फटाफट, हाँ जी 2, -1, बी के कोऑर्डिनेट बताओ 1, 1, 2 एंड सी के कोऑर्डिनेट 0, -2, ठीक है ना, 0, -2 बात समझ में आ रही है। आपसे क्या पूछा है, पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट पूछा है 0, -1, ठीक है ठीक है, आपसे क्या पूछा है पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। तो मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट x3, y3 अपन ये मान लेते हैं, ठीक है ना। और अपने को यही बताने हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अपने क्या बताने हैं यही कोऑर्डिनेट बताने हैं। देखो तो सबसे पहला मेथड तो बहुत आसान है, आप कर दोगे कैसे, ये मिड पॉइंट है तो आप क्या करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 / 2 = 2, y1 + y2 / 2 = -1, ऐसे इसके साथ 3-4 इक्वेशन बनेंगी, आप आपस में सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीन इक्वेशन बनेंगे बेसिकली, और तीन ही वेरिएबल है x1 कैसे, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, इनसे तीन इक्वेशन बनेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई, तीन इक्वेशन बनेंगे ना, x1 में 3 बनेंगे, y1 में 3 बनेंगे, अलग अलग बनेंगे, आप सॉल्व कर लोगे। हाँ हीरो, ठीक है। अब मेथड नंबर 1, तो सिंपल मेथड यही है, आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व कर ले आंसर आ जाएगा। बट अपन थोड़ा कुछ और करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पढ़ी मैं पढ़ाई आपको मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, मान लो कोई ट्रायंगल है ना, तो उसका जो ये वाला साइड होगा मिड पॉइंट थ्योरम, एक तो पैरेलल होगा इसके और इसके आधे के बराबर होगा किसके, जैसे कि मान लो ये पी क्यू आर एस टी, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2 RS, ये पता है कि नहीं पता अपने को, ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है कि सामने वाला बेस का आधा जो होगा वो इनके मिड पॉइंट्स के बराबर होगा, मिड पॉइंट से बनी जो सेगमेंट है लाइन सेगमेंट उसके बराबर होगा, है ना, ये अपन ने पढ़ रखा है। ये कौन सी थ्योरम है, ये मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो यहां पर भी अपन एक सेगमेंट बनाते हैं और इसको इससे मिलाते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर इस पूरे के लेंथ ए है तो इसकी क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसका मतलब अगर ये पूरी लेंथ जो भी है हम अगर लिखें AC = हम क्या लिखें, इधर लिख देते हैं हम AC = क्या आएगी 1/2 QR आएगी, नहीं आएगी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, Q एंड R 1/2 QR,
इसका मतलब ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर हो गई और ये बराबर हो गई इसकी और ये पैरेलल भी है। इसका मतलब ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। ये वाला जो बन गया, जो ये वाला फिगर आया, कौन सा बेटा बोलिएगा, ए सी बी क्यू है ना, या फिर ए क्यू बी सी इज अ पैरेललोग्राम, बिकॉज ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, आमने सामने की पैरेलल है। बोलो, मिड पॉइंट थ्योरम से अपन ने ये प्रूव कर दिया ना यार, है ठीक है। अब क्या करें, अपन ने पैरेललोग्राम जब मैंने पढ़ाया है, हालांकि हम एक बार और फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटर पढ़ा देंगे आपको, तो हमने एक चीज सिखाई है, पैरेललोग्राम तभी होगा, दो तीन कंडीशन होती है, या तो आमने सामने की साइड बराबर हो जाए है ना, या पैरेलल हो जाए है ना, या उनके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर जाए, कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए, कैसे हो जाए डायगोनल, इक्वल हो जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि नहीं आ रही, तो इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स टू बाई टू, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो कॉमा माइनस वन, ठीक है ना, जीरो कॉमा माइनस वन जो है वो किसके बराबर होगा, इनका मिड पॉइंट क्या आएगा, इन दोनों के मिड पॉइंट से देखो जरा बाइसेक्ट बराबर हो गए ना, एक्चुअली एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करते हैं, सेम जब ये बराबर ही है तो यहां पर जो ये कोऑर्डिनेट होगा वही इसका कोऑर्डिनेट होगा। मैं ये बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, चूंकि ये पैरेललोग्राम है, बिकॉज दिस इज द पैरेललोग्राम, सो वी कैन से दैट, क्या कहेंगे हम, मिड पॉइंट ऑफ, बच्चों मिड पॉइंट ऑफ ए बी किसके बराबर होंगे, मिड पॉइंट ऑफ किसके बेटा, क्यू सी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, क्यू सी के बराबर होगा, ठीक है। अरे फैल क्यों जाते हो यार, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करा दो, फैल जाते हो भाई, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट इक्वली तो होगा, ये अपन ने पढ़ रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट ए बी का निकालो, क्या करेंगे, जीरो प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा माइनस वन प्लस बाई टू, यानी बाई टू माइनस वन अपॉन टू, ये किसके सिमिलर होगा, ए बी ए, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात, मैंने क्या लिख दिया, इधर ए बी की जगह क्यू सी कर लो, इधर ए बी कर लो, हमको सो कुछ लोग आइटम की तरह देख देख रहे हैं, तो क्यू सी का मिड पॉइंट अपन ने निकाल दिया, बराबर किसका करते थे, ए बी का, तो टू प्लस वन बाई टू कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू कॉमा माइनस वन प्लस टू बाई टू, तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू, तो क्या वर्टेक्स आ गया, एक्स टू बराबर कितना आ गया, थ्री बाई टू बराबर कितना आ गया, टू। ऐसे इसके साथ हुआ है तो ऐसे बाकी के साथ भी होगा, बोलो यार, जब इसके साथ हो रखा है तो अब ये वाला देख लो तुम, ये वाला भी तो पैरेललोग्राम बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसके वाला भी आ जाएगा फिर बेटा, अगर ये वाला बन रहा है तो हम यहां से देखेंगे, ये वाला ही पैरेललोग्राम बन रहा है, यहां से आ जाएगा, सही है, बोलो, तो ऐसे तीन आ जाएंगे, तीनों के आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे, निकाल के दिखाओ फिर आगे बात करते हैं। आंसर ए के कोऑर्डिनेट आए बेटा, गया क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए, यहां पे लिख देता हूं कितना आ गया बेटा, थ्री कॉमा, किसी ने आर के कोऑर्डिनेट निकाले क्या, किसी व्यक्ति, हाँ माइनस वन, क्या यही है आपके, ठीक है थैंक यू। पी के बताओ, ठीक है निकाल दे, अब जरा रुक जाओ है ना, अब इसमें भी टाइम लग रहा है ना, एक और तरीका है इसका, एक जिसको शॉर्ट मेथड या ट्रिक बोल दो, अगर एनालिसिस करोगे तो वो बन जाएगा, लोग पहले उसे रटवा देते हैं, अलग ही आप ऐसे देख लो जरा है ना, क्या करते हैं देखोगे क्या, ठीक है, अब कर क्या रहे हैं अपन, बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखो मिड पॉइंट ही तो लगा रहे हैं, कुछ और थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, जब मिड पॉइंट लगाओगे तो ये दो तो कट ही जाएगा यार, देख कुछ सोच के देखो, जो टाइम पास चल रहा है, ये दो तो कट ही जाएगा, और ये तीन कैसे आ रहा है, तीन कैसे आ रहा है, इन दोनों का सम आ रहा है, और जो इधर लिखा है जीरो वो क्या हो रहा है, उधर
माइनस हो रहा है, जो बच्चा नहीं देख रहा प्लीज देख ले, घाटे में रहेगा बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूं ये दो तो कट ही जा रहा है, इन दोनों का क्या आ रहा है, सम आ रहा है, और जो दूर वाला है वो घट रहा है। तो अपन एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, जब मिड पॉइंट से आपको मिड पॉइंट दिए जाए और आपको निकालना है क्या ये वाला वर्टेक्स, तो अपन क्या कर लो, पास वालों का सम माइनस दूर वाला, क्या कर दो, पास वालों का सम माइनस दूर वाला। बात समझ में आ रही है, पास वालों का सम जरा देखो इसमें वेरीफाई करते हैं, 1 + 2 भाई इस ये वाले वर्टेक्स के पास ये वर्टेक्स है कि ये वर्टेक्स है कि ये वर्टेक्स है, यही है। तो पास वालों का सम 1 + 2 कितना आया, -0 कितना आया, 3। तो बेटा कितना आ गया था, 3 आ गया। दूसरे भी अप्लाई करते हैं, पास वालों का सम 2 + -1 इसका मतलब 1, और माइनस दूर वाला तो माइनस और माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, फिर से 2 जुड़ जाएगा, तो कितना आ गया 2। चलो कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस वाले में, तो क्या करेंगे, पास वाले कौन से इसके ये, और दूर वाला कौन सा है ये, मिड पॉइंट से ही खेलना है ठीक है। तो पास वाले 0 + 1 1, माइनस दूर वाला -2, तो 1 में से -2 किया तो कितना आया बच्चे का, -1 आया, इसमें सही है। फिर पास वालों का सब -2 + 2 1, माइनस दूर वाला माइनस और -2 तो +2, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो अपने को क्या फॉर्मूला लिखना है, जब मिड पॉइंट दिए जाए पास वालों का सम क्या लिखोगे, पास वालों का सम माइनस दूर वाला, आप लिख लेना ठीक है ना। आज की क्लास अपन यहीं पर वाइंड अप करते हैं ठीक है ना, अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन लेंगे और फैमिली ऑफ पार्टिलेटर के बारे में पढ़ेंगे ठीक है। ओके देन, थैंक यू, सी यू टुमारो।